ओम शांति इक्कीस सितंबर के ईश्वर्योधन में आपका स्वागत है परमात्मा कहते हैं श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भवा श्रीमत है हमारी परमात्मा ने हमें जो दी हुई है परमात्मा की जो मत है जो एक कहा जाए कि हुक्मनामा कहें है या ऑर्डर है कि अपने आप को आत्मा समय मुझ परमात्मा को याद करो चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए मुझसे योग नहीं तोड़ना है कनेक्शन नहीं तोड़ना है तो दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है श्रीमत कहे मन को मना करके एक भगवान में लगाओ अपने आप से कहो बाबा को याद करो चुप हो जाओ बाबा को याद करो ये अपने आप से बातें करनी है अपने मन को समझाना है जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है अरे क्या हुआ वहाँ पर अरे उसके जीवन में क्या हुआ अरे उसने क्या किया अरे समाज में क्या हुआ अरे फलाने व्यक्ति ने क्या किया अरे फलाने के परिवार में क्या हुआ साइड सीन देखना शुरू कर देते हैं या उस ब्राह्मण ने क्या किया लगती है लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है क्योंकि हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि बारे में इसलिए जब भी कोई बात हो मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो श्रीमत के आत्मा समझ के बाबा को याद करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे मंजिल के हमारी शांत मन कम संकल्प बालक सो मालिक हूं मैं परमात्मा का बालक हूं सो तो उनके सुख शांति ज्ञान शक्ति एकाग्रता का मालिक भी हूं इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो शांति